अभी तो लोग काफी अवेयर हो चुके हैं, बट पहले क्या होता था, कोचिंग वालों ने बच्चों और पेरेंट्स का इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि 6 और 9 क्लास से बच्चे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे। अब ये सब देख के एक क्वेश्चन उठना बहुत कॉमन है कि वो सही समय क्या है जब हम अपने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मैं बिना इधर उधर घुमाए सीधे शब्दों में बोलूं तो एक एवरेज आईक्यू वाला बंदा अगर 2 साल अच्छे से मेहनत कर देता है तो वो आराम से जेई क्रैक कर सकता है। मुझे लगता है 2 साल भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 1.5 साल इज एनफ टू गेट योर डिजायर्ड रैंक इन जेई। यहाँ पे आपके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा जिसने 6 या 9 क्लास में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वो अगर जेई क्रैक भी कर देगा तो उसे वो खुशी और सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा जो उस बच्चे को मिलेगा जिसने 1 या 1.5 साल की मेहनत में जेई क्रैक किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम समय में जब हम कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो वो हमें ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन देता है। ये बहुत गहरी बात है, आप इसे फील करने की कोशिश करना। और ये जो मैंने 1.5 से 2 साल बताया, इसमें अगर बच्चा आराम से चलेगा तो वो ये एग्जाम क्लियर कर सकता है। अब अगर आप उसे पूछो कि वो मिनिमम टाइम क्या होगा जिसमें अगर बच्चा अपना पूरा एफर्ट लगा दे तो वो ये एग्जाम क्लियर कर दे, तो देखो यार इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है जिसमें मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया था और उसका रिजल्ट ये आया था कि अगर एक बच्चा 3000 घंटे अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका जेई एडवांस में अंडर 5000 रैंक आ सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 3000 घंटे की क्वालिटी स्टडी आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हो या 8 महीने में। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।